अध्याय 12 श्लोक 1 एवं सतत युक्ताये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षर्म व्यक्तम तेषां के योग वित्तम। श्लोक 2 मय्ये वेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परियोपेतास्ते मैं युक्त तमामता। श्लोक 3 ये त्वक्षर्म निर्देश अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थम चलं ध्रुवं। श्लोक 4 सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। श्लोक 5 क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता शक्त चेतसाम् अव्यक्ता हिदति दुःखं देहवद्दीर्वाप्यथे। श्लोक 6 ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासमात्परा अनन्येनेव योगेन माम ह्यायन्त उपासते। श्लोक 7 तेषामहं समुद्धता नित्य संसार सागरा भवामि न च रात्पार्थ मय्यावेश्यत चेतसा। श्लोक 8 मय्येव मनादत्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसे मय्येव अत ऊर्ध्वं न संचय। श्लोक 9 अथ चित्तं समाधातं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासि योगेन ततो मामीक्षाप्तुं धनञ्जय। श्लोक 10 अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। चैतन्य।